नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, ONGC की बात करते हैं दोस्तों, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं, PSU कंपनी है। स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है, 28 अक्टूबर 2022 को 130 के ऊपर कारोबार कर रहा है, 133-134 के आसपास है, 2% की तेजी है दोस्तों। और दूसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं तो ONGC के भी नतीजे आने वाले हैं और स्टॉक में थोड़ी बहुत हलचल बढ़ी है, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट आ सकता है। और अपडेट ये आया है कि डिविडेंड और फाइनेंशियल रिजल्ट 12 नवंबर 2022 को डिक्लेयर होगा दोस्तों, और Q2 FY23 के नंबर्स का अनाउंसमेंट होगा, फाइनेंशियल रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा 12 नवंबर 2022 को, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा दोस्तों। डिविडेंड कितना अनाउंसमेंट हो सकता है तो 2021 में 5.50 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था, तो इसी के आसपास या इससे ज़्यादा रह सकता है डिविडेंड दोस्तों। और डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है ONGC का, बहुत सारे निवेशक डिविडेंड के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। 12 नवंबर 2022 को डिविडेंड और फाइनेंशियल रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा दूसरी तिमाही का। अब नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं, तो एक तरह से नतीजे देखिए सेल्स तो बढ़कर आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार देखिए जून के क्वार्टर की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 182,893 करोड़ का सेल्स था, 7,545 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। ONGC को देखिए एक तरह से 7,545 करोड़ और 10,000 करोड़, और पिछली बार का सितंबर की बात करते हैं तो पिछली बार सितंबर के क्वार्टर की बात करते हैं तो 122,029 करोड़ का सेल्स था और 18,210 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो देखना पड़ेगा कि पिछली बार के अनुसार कितना सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट आता है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से क्या रहता है। तो थोड़ा बहुत भी अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो शेयर में तेज़ी रहने की संभावना रहेगी। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो ONGC का जो मार्केट कैप है 1,70,000 करोड़ का है दोस्तों, फेज वैल्यू 5 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 162 का है, अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ ये कारोबार कर रहा है दोस्तों ONGC का स्टॉक, और अर्निंग पर शेयर है 40 का, और डिविडेंड यील्ड जबरदस्त है 7.77 का, फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा मान के चलिए तो डिविडेंड अच्छा मिलता है, ONGC से। जिनके पास ONGC का स्टॉक है, स्टॉक में जरूर गिरावट रही है, पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा तो बहुत निवेशकों को राहत मिलेगी। नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो स्टॉक डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और एक पॉइंट ये है कि ऑयल प्राइजेस अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ONGC में तेजी भी बनेगी दोस्तों। अब शेयर प्राइस के ऊपर ध्यान देते हैं, अब दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ ध्यान दें तो एक साल का ये ग्राफ है, चार्ट है दोस्तों ONGC का, 135 रुपये में ये कारोबार कर रहा है 28 अक्टूबर 2022 को। अब देखिए अंडर परफॉर्म किया है इसने इसी साल, ये मार्च के महीने में 186 में था दोस्तों, देखिए उसके बाद लगातार एक तरह से गिरा है, थोड़ी बहुत तेज़ी आ रही थी ऊपर की तरफ, ये अब 165 में था 9 जून 2022 को, उसके बाद देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिली, इसमें सीधे पहुंच गया नीचे की तरफ, 119 के आसपास पहुंच गया, उसके बाद देखिए नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है। अब इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी आई है, 135 के आसपास पहुंचा है, तो नतीजों से पहले एक तरह से तेज़ी है, जिन्होंने खरीदारी की है तो ऊपर की तरफ ये 138.60 रुपया, नेक्स्ट जो 139.95 रुपया, यानी मीन 140 के ऊपर अगर क्लोज होता है तब इसमें एक तेज़ी आ सकती है और ये स्टॉक 154.15 रुपया तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। और नतीजे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं ONGC के तो 154 के ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा, 164 तक, तो इस तरह का ऊपर का लेवल रह सकता है। नीचे का जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों, देखिए 119 का तो लो ही बनाया है इसने, तो ओवरसोल्ड की स्थिति रहेगी, बाइंग आती हुई दिखेगी, 119 के आसपास या उससे नीचे भी रहेगा तो बाइंग आती हुई दिखेगी। तो ये जो गिरावट देखने को मिली है पिछले 7-8 महीने के अंदर, तो अगर ऑयल प्राइजेस में तेजी आती है, नतीजे अच्छे आते हैं, जैसे कि डिविडेंड भी मिलने वाला है, थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ सकती है, तो ऊपर की तरफ स्टॉक रहना चाहिए, जैसे कि 135 के आसपास है। और नतीजे अगर बढ़िया आएंगे तो स्टॉक फिर 150 के ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा,
तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जो डिविडेंड लेना चाहते हैं स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो डिविडेंड अच्छा रह सकता है, डिविडेंड लेना चाहिए। स्टॉक जब ऊपर की तरफ हो तो अपने अनुसार फिर देखना चाहिए कि हमको क्या करना है। लेटेस्ट अपडेट है, डिविडेंड मिलने वाला है दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ। 12 नवंबर 2022 इम्पॉर्टेंट डे रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के लिए और जो ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। तो ये ONGC का लेटेस्ट अपडेट है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।